खरगोन के ऊन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिखी मोठापुरा पंचायत में 7 माह पहले चोरी हुई 2 पानी टैंकरों का पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने 5 दिन पहले सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। सोमवार को एसपी कार्यालय भी ग्रामीण पहुंचे। एएसपी से मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने से उन थाना पर पदस्थ एसआई ठाकुर इस कदर नाराज हो गए कि ग्रामीणों को शिकायत वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। सरपंच सहित ग्रामीणों ने एसपी से एसआई ठाकुर को हटाने के साथ ही चोरी गए टैंकरों का सुराग लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हम ग्राम मोठापुरा के रहने वाले हैं। ग्राम मोठापुरा में 6 महीने पहले टैंकर चोरी चले गए। 2 टैंकर थे, राज्यसभा सांसद के और एक सांसद निधि का। वो दोनों ग्राम पंचायत के अधीनस्थ थे ना, वो दो ही खाले में रखे हुए थे। खाले में सरपंच ने साठ गाट करके उनको रवाना कर दिया। कब से गए ये 6 महीने हो गए। इसकी शिकायत करी गई है? इसकी शिकायत करी थी उन थाने पर वहाँ कायमी नहीं करी थी। उसके बाद में अभी 8 रोज सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बाद में अभी 8 रोज बाद शिकायत हुई। पूर्व में कितनी बार शिकायत कर चुके हैं इसकी? 4 बार कर चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई है। कौन सरपंच है? वहाँ महिला है, सुंदर भाई पति मोहन। और क्या लगता है आपको टैंकर टैंकर बेच दिया कि चोरी हो गए? क्या लगता है आपको टैंकर चोरी? चोरी नहीं हुई है, बेची दी है। बेची किन लोगों ने बेचे होंगे? बस वो पंचायत बताएगी। पंचायत के पंचायत वाले भी सरपंच साहब ने भी शिकायत कर रहे हैं कि है ना मोहन, वही बता रहे। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम तो टैंकर की छानबीन करके टैंकर कौन लोग ले गए उनकी शिकायत करनी है। क्या नाम आपका? चिंताराम मंडलोई। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।